चाय खाना जाने से पहले हमजा की लुक ये ठीक लग रही है, शर्ट शर्ट के साथ यू लुक सो क्यूट, और ये जूते शूज टैटू बड़ी बात। लेट्स गो, बड़ा ही खूबसूरत मौसम नहीं हो गया इस्लामाबाद का, खास तौर पे आफ्टर रेन। नहीं क्यों पानी देना पड़ेगा हमजा बेटे, इतनी तो बारिश हुई है। हाँ वो तो बिकॉज ऑफ धूप की वजह से, हाँ थोड़े मुरझाए मुरझाए हो गए, पानी देना चाहिए। यू आर राइट, क्या चले तराने लगे हुए हैं, उसमें भी कॉपीराइट आ जाएगा, मैं म्यूजिक बंद कर देती हूँ। हाँ आमना कहती थी कि मामा ये कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया था इसमें ये घरों की खिड़कियाँ कैसे बनाई थी, कायदे वो सारे घर कैसे बनाए थे, सब ख्याल था कि कायदे आजम ने सीमेंट ईंटे एक एक चीज पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया। और पता है क्या, एक दफा आमना कहती है मुझे पूछ रही कि मामा अल्लामिया का जूता कितना बड़ा होता है। गाड़ी चलाऊं या ये अभी, अभी 23 मार्च को परेड होगी। अच्छा। और ये तराने वगैरह होंगे, लाइट्स होंगी या क्रैकर्स और ये वो, बड़ा मजा आएगा। यस, पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, बहुत कम लोगों को शायद पता हो डिफरेंस बिटवीन 14th अगस्त एंड नेशनल हॉलिडे भी होगा, आपको छुट्टी भी मिलती है। तुम्हें यूक्रेन डे पर मिलेगी ना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च को, तो पाकिस्तान एक आजाद मुल्क होगा। यस यस यस, बहुत अच्छी पार्किंग मिल गई है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और अजान भी हो रही है। ये है जी चाय खाना, वाह भाई वाह, महफिल चाय है, महफिल चाय, ओह सॉरी गाइस गलती हो गई, ये है चाय खाना और इसके साथ क्या है, बरबरीजे और यहाँ से मैं ये जा रहे हैं मुजीब, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं हमजा। चलो जी आ जाओ जी, सड़क क्रॉस करें, चलो जी सड़क क्रॉस करना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, रुक जाएं। ठीक है उन्होंने दे दिया जगह, थैंक यू सो मच, जगह मिल गई, भागो भागो। ये रोड क्रॉस हो गई एंड लेट्स गो एंड हैव समथिंग इन चाइना। चलें जी, हमने वो कॉर्नर चूज़ किया है, इट्स अ वेरी पीसफुल साइड पे कॉर्नर। फिर वही चाय, हमजा कॉर्नर से ले आया है न्यूज़पेपर, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, पाकिस्तान में भी जो ड्रामा चल रहा है वो भी इंटरेस्टेड हूँ मैं, एक और में आया हूँ और इधर भी ड्रामा हो रहा है। या एक वो कह रहा है, हमजा कह रहा है कि वो एक ड्रामा छोड़ा है यूक्रेन में तो यहाँ पर भी एक और ड्रामा चल रहा है जी। यार एक हमारे क्लास में एक अफगानी रेफ्यूजी आया था, हाँ? वॉर से आया है और फिर हमारे यूक्रेन वॉर पे आ गए, हाँ और यहाँ पर पाकिस्तान के अपने लांजे चल रहे। बहरहाल ये देखें जी, ये कुछ आउटलुक मैं आपको दिखा दूँ, ये F6 वाला चाय खाना है, एक चाय खाना F10 में भी, F11 या F10 में भी है, बट ये F6 वाला चाय खाना है। आपने फ्रेंच टोस्ट किया है, नहीं अपना आप बताए, मैं तो कंफ्यूज हूँ, इतनी अच्छी चीजें हैं और बहुत सारी चॉइस है जी। आपका कैमरा मेरे से बेहतर है मेरा, अच्छा अच्छा फोन तो वही है, हाँ फोन वही है लेकिन आपकी लाइट आती है और मेरी बहुत
मे भी यहाँ पर लाइट अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। तो हमजा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मीठा पराठा, फ्रेंच टोस्ट, चाट प्लेट, आलू वाला पराठा और फिश एंड चिप्स मंगवा लूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इसमें से क्या मंगवाऊं। आई थिंक आप फ्रेंच टोस्ट कर लें और चाट चाट प्लेटर कर लें कॉफ़ी के साथ, डोनट भी आ जाएगा। हाँ बहुत कुछ होगा भाई इस कॉफ़ी के साथ ना, यहाँ पे डोनट फ्री है जी। मेन्यू देखें इतने नॉर्मली पाकिस्तानी फूड भी है और वेस्टर्न फूड भी है और हलवा पूरी भी है, सब कुछ है, ऑमलेट्स है, ऑर्डर ले लीजिए। चिकन स्टेक कर दीजिए मेरे लिए सर, चिकन स्टेक और कोल्ड ड्रिंक भी बता दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक में मैंने कर दीजिए डाइट सेवन अप कर दीजिए, बता दो मुझे केसडियाज चाहिए जी सर, केसडियाज और डाइट सेवन अप, और डाइट सेवन अप ओके सर जी। मैं आपके मेरा चार प्लेट और मीठा पराठा, फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट ओके, फ्रेंच टोस्ट और साथ डाइट कोक्स और एक कॉफी। मैम कॉफी कौन सी, कैपेचिनो डोनट फ्री मिलता है, ओके ब्लैक कॉफी नहीं, उसके बाद थोड़ा दूर ही है जी। कितनी देर में आएगा मैम? 4 मिनट। हाँ मुजीब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मेरा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ना हो। मैंने कहा है कि अगर ठंडा हो फिर हाथ में पकड़ लेना थोड़ी देर के लिए ताकि गर्म हो जाए। हाँ वो हाथ में पकड़ लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए, और मैं और हैंड टेम्परेचर पे, मैं और अपना नॉर्मल है, या तो कोल्ड ड्रिंक लें ना या फिर उसको कोल्ड पिए। अब मैं आपको अपना कोल्ड ड्रिंक पी के दिखाऊंगी कितना मज़ा आता है ठंडा कॉफी में। नहीं मैं गला एकदम खराब हो जाता है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग। चलो ठीक है, अच्छी बात है। पेपर मिसिंग थी, वो हमजा दूसरे के टेबल से ले आया। गुड हमजा, पेपर हर चीज़ के साथ वो हर चीज़ को बेहतर कर देते हैं। हाँ हमजा तुम्हें तो होना चाहिए था, कहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसीज वाला खाना खाते हैं ब्राज़ीलियन खाते हैं, मैक्सिकन खाते हैं, मैक्सिकन यस, पाकिस्तानी भी खाते हैं। यू शुड गो टू मेक्सिको, पाकिस्तानी भी खाते हैं। पाकिस्तानी तो जब तक शोरबा रेड ना हो मज़ा ही नहीं आता। चाय खाना एक ऐसी जगह है कि जो जिसमें आप आराम से पीसफुली बैठ सकते हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग कर लें, या आपने अपनी कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, या आपने अपनी स्टडीज़ करनी हो, इवन अपना कंप्यूटर वर्क करना हो, तो लोग चाय खाना को चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटेलेक्चुअली एक पीसफुल सा माहौल है। और अगर आपने बिग मील नहीं लेना तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है खाने की, ऑल काइंड्स ऑफ टीज और कॉफ़ी, और मतलब आप You'll really enjoy sitting over here and eating. तो हम लोग भी यहाँ जब आए थे तो हमारा भी यही ख्याल था कि हम यहाँ मज़े से बैठेंगे, और हम ट्रस्ट में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और मैंने जो चाट प्लेटर मंगवाया था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा था जिस पे सारे हंस रहे थे, लेकिन मैं इन लोगों को बता रही थी कि मतलब बहुत ही यमी चीज़ें थी यहाँ पे, और मैं गोलगप्पा तैयार करने का तरीका बता रही थी, लेकिन वो जो मैंने गोलगप्पे में खट्टा मीठा पानी और चने वगैरह डाल के खाए तो वो एक ही टाइम पे मेरे मुंह में बड़ी मुश्किल से पूरा आया, और सारे लोगों ने मेरा थोड़ा मजाक भी उड़ाया। ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी मेरे प्लेटर में जो बड़ी यमी थी, ये मैश्ड पोटैटोज थे बिस्किट्स के ऊपर, और साथ में ये चार पाँच गोलगप्पे जो बड़े क्रिस्प थे, और ये खट्टी मीठी और इस किस्म की चटनीज़, और साथ ये दही भल्लों की प्याली और चने एंड स्टफ़। और हमज़ा भी बता रहा था कि केसडियाज जो हैं उसके दे वर रियली वेरी डिलीशियस विद डिप्स, और मुजीब का स्टेक भी जिस तरह से मुजीब ने खाया, थोड़ा सा मैंने चखा भी, बट बहुत अच्छा था। हमज़ा ने पूरा किया जी, ग्लास फुल हो गया, और जो ये बचा है वो हमजा ने नीचे गिराया है।
समझा, ये रिकॉर्ड में आ गई है बात। अच्छा ओके, अब क्या होगा? इंप्रेशन खराब हो जाएगा, कमेंट्स खराब आ जाएंगे। या मुझे तो लगे हुए आए थे, मुका दिए, बिजी मुका दिए। वाजी वाह, गुड, अच्छा किया। फ्रेंच टोस्ट मैंने वापस कर दिए थे ना, कि उसको थोड़ा सा क्रीम श्रीम ऊपर लगा कर लाए। हाँ तो ले आएगा, वो तो चला ही गया, मुझे हर्ट हो गया है। लाएगा फ्रेंच टोस्ट। फिर वो जब दोबारा लाया तो उसके ऊपर वो मेपल सिरप डाल के, और साथ ये ब्लूबेरी जैम, और चॉइसेस भी हैं, जैसे कि आप साथ आइसक्रीम ले सकते हैं, न्यूटेला ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस फ्रेंच टोस्ट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरा फ्रेंच टोस्ट जो था ये, इट वाज रियली वेरी क्रिस्पी। तो गाइस, एज यू कैन सी, हमने हर चीज़ को साफ कर लिया है, बिल्कुल हमने एक भी चीज़ नहीं बचाई। एंड में मैंने और हमज़ा ने कॉफ़ी मंगवाई थी, और एक ही कॉफ़ी मंगवाई थी, और उसके साथ एक डोनट फ्री मिलता है, और सबकी नज़र इस डोनट पे थी क्योंकि ये बड़ा फ्रेशली बेक्ड था। मुजीब ने दूध पत्ती मंगवाई थी क्योंकि मुजीब को हमेशा से दूध पत्ती पसंद है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी कॉफ़ी जो है ना, वो वर्थ इट है कि आप लोग मंगवाएँ और ट्राई करें। मैंने इतनी अच्छी कॉफ़ी और कहीं नहीं पी है। व्हेनेवर आई विज़िट चाय खाना, तो मैं यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, और बड़े शौक से वो फ्रेशली बेक्ड डोनट खाती हूँ। Both of them are having coffee and I am having tea. ये था हमारी आज की वीडियो, और बहुत से लोगों ने कहा है कि बिल भी बताया करें, तो आज का जो हमारा बिल आया है वो है 4900 and something। तो मेन्यू आपने देख ही लिया, इसलिए वो टोटल हमारा 4900 बिल है। वेरी रीजनेबल है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह और किसको एलर्जीज हो रही है? आप कमेंट में बताएंगे और किसको एलर्जीज हो रही है? अब सारे कहेंगे कि हमजा कहाँ है, वो नाक ब्लो करने वाला। दैट इज हाउ पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू। अल्लाह हाफिज़।